नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट एंड देसी बॉय यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में एसपीओ की भर्ती के बारे में। आप लोगों को बता दें कि लगातार एकदम से ही बिना अपडेट्स के कल 4 डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन सामने आए हैं। आप लोगों को बता दें कि हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को बता दिया है कि एसपीओ हाउ फिल फॉर्म सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, अदर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट कब तक आ सकती है और बेनिफिट ऑफ एसपीओ क्या रहेगा। डिटेल वीडियो 8 बजे के आसपास अपलोड करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप सभी स्टूडेंट को ज्वाइन करना। देखो डिफरेंट टाइप की अपडेट नोटिफिकेशन और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी नोटिफिकेशन और फॉर्म शाम फिल होते हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों के सामने ये है, देख सकते हैं ये हमारा सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप जो है फुल हो गया है, अब ये सेकंड ग्रुप चल रहा है। आप लोग भी ग्रुप ज्वाइन करें। ऑल जॉब नोटिफिकेशन और कॉलेज की नोटिफिकेशन जहाँ पर डाली जाती है, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना हो तब भी आप लोग इस नंबर पर मैसेज करते हैं। ये नंबर 96 3 5 11 तो एसपीओ की लेटर नोटिफिकेशन पीडीएफ भी हमने सबसे पहले ग्रुप में डाली थी। उसके बाद देख सकते हैं तमाम बच्चे इधर उधर ढूंढ रहे थे, बट एसपीओ की तीनों की नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ी हुई है। हम बात करेंगे सबसे पहले कौन सा है ये नोटिफिकेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की। तो आपको बता दें कि पहली भर्ती जो एसपीओज़ की है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट की शुरू होने वाली है, उसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट की। हम बात करें पुंछ डिस्ट्रिक्ट के किन बच्चों को क्या करना है, और आपको बता दें कि जो अदर स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी बच्चे वेट कर रहे हैं कि एसपीओज़ की कहीं भर्ती आ जाए। तो सैलरी आपको पता है एसपीओ की सैलरी 6000 से शुरू होगी। आपकी ड्यूटी अपने विलेज में ही रहने वाली, अपने थाने में, नज़दीकी थाने में। तो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो निकल कर आया है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए, इन सभी पुंछ बच्चे ये देख सकते हैं जो विलेज है ना, सिर्फ उसी विलेज के बच्चों ने फॉर्म लगाने हैं, बाकी किसी ने नहीं। सलोत्री, जालसूस, कैंथीर, संदिरा, गली पिंडी, अरैया, बिल्लाबाला और कालबन, बिल्लाबाला 7, पहले 7 विलेज के नाम के बच्चों ने 3 तारीख से लेकर 10 जुलाई के बीच में, यानी कि 3 तारीख को 10 बजे से लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पुंछ में जाना है। ठीक है, कहाँ पे जाना है आपको? डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए कहाँ जाना है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस, एसएसपी ऑफिस जाना है पुंछ में। आपको इन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट बच्चों ने 3 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और 10 जुलाई को आपकी दौड़ है। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में आपकी दौड़ होगी। उसके बाद बाकी के जो बच्चे हैं, बाकी के 7 के बाद और 7 डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनको 4 को एसपी ऑफिस जाना है। जे गांव के नाम देख लेना, जिन बच्चों के गांव के नाम नहीं होंगे उनको कहीं नहीं जाना, उनको घर में रहना, उनकी भर्ती नहीं है जी। तो 11 को इनकी दौड़ होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे 7 के बाद जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के मुताबिक आपको अपने अपनी पुलिस लाइन में जाना है और डेट के मुताबिक। ठीक है, आपको बता दें कि इस बार सिलेक्शन जो होगी आपकी, आपको 10वीं की मार्कशीट साथ में लेके जाना है और साथ में आप लोगों को 10वीं का डिप्लोमा भी लेके जाना है। वो होगा नहीं होगा वो कोई चक्कर नहीं। आपकी 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए, चेस्ट बत्ती होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए। तो जहाँ पे सिलेक्शन जो है वो कोई आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं रहने वाली, सिलेक्शन जो है वो रेस के ऊपर रहने वाली है। एक ग्रुप बनाया जाएगा, 20 का बने, 30 का बने, 40 का बने, ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप में जो टॉप बंदे पहुँचेंगे, पहले 3 भी उठाए जा सकते हैं, पहले 2 भी, कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। 1 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, स्प्लिंट होगा जे, पंजे के बल आपको दौड़ना है। तो एकदम से भर्ती आई जो फाइटर हैं जिनकी स्पीड तेज है वो उनकी सिलेक्शन पक्की है। जहाँ पर कोई हाइट शाइट कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी, जो एक्सीलेंट बॉय होंगे, जो जिनकी तेज दौड़ होगी वो बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनकी सैलरी 6000 रहेगी, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ड्यूटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपको अदर बात करें, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी कब होगी, तो ये मिलिटेंसी, जहाँ पे मिलिटेंसी के ज़्यादा असर दिख रहा है उन डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि सभी डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट्स कराई जाए एसपीओज़ की, ताकि थोड़ी बहुत बेरोजगारी कम की जाए। पुंछ के बाद बात करेंगे हम, बाकी बात करें हम अदर डिस्ट्रिक्ट की भी रिक्रूटमेंट्स आ सकती है, जैसे 2020 में आई थी। हर डिस्ट्रिक्ट में पहले बॉर्डर की आई थी 100-100 पोस्टें, फिर अदर की 100-100 पोस्टें आई थी। तो इस तरह की रिक्रूटमेंट ड्राइव एसपीओ वगैरह चलती रहती है, इनका कोई आता पता नहीं होता। अगर कोई रिक्रूटमेंट्स आती है डायरेक्ट नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ेगा, बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन 18 से 28 साल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा की बात करें तो जो जो विलेज दिए गए हैं इन विलेज के बच्चों को कहां जाना है, इन बच्चों को आपको बता दें कि फॉर्म आपको लेके जाना है। फॉर्म कौन सा लेके जाना है फॉर्म फिल करने के लिए, वो फॉर्म आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे, जहां आप लोगों किसी भी नेट वाली शॉप पर जाके आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, 18 से 28 साल तक उम्र है। ये बात हुई है डोडा वालों की, तो ये आपको डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, छोटे फोटो 4 आपको साथ में लेके जाना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट, ये फॉर्म है आपका। ठीक है, इस फॉर्म को आपको नेट से निकलवाना है, इसको फिल करना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो डोडा वालों को कब जाना है,
तो 1 जुलाई से लेकर आप लोग कब तक जा सकते हैं, 7 जुलाई तक। अपनी कहाँ जाना है, SSP ऑफिस में जाना, ठीक है। SSP भर्ती करवा रहा है जे कोई DGP या कोई नहीं, जे SSP के हाथ में होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट होने की संभावना है। तो कठुआ SSP बाला भी करवा सकता है, सांबा का कोई भी SSP अपनी मर्जी से ये रिक्रूटमेंट्स करवा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये करवाते भी हैं 2-3 साल के बाद, ठीक है। तो ये एक्सीलेंट बनना है, जिसकी तेज रनिंग है वही प्रोसेस वही है। कोई यहाँ पर जो फाइटर है, जो टाइगर है रनिंग में, उसका नंबर डन है। तो देख लो भाई अपनी फिटनेस के आधार पर, अगर फिटनेस है तो भर्ती देखने जाना, नहीं तो घर में रहना। तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको पता है। तो डोडा वालों को कब जाना है, 1 से 7 जुलाई के बीच में कभी भी जाओ। सभी नहीं चले जाना, जो जिनकी डिस्ट्रिक्ट फाल कर रही है ना, जिनके विलेज के नाम, वही जाना, बाकी अदर कोई नहीं। आपको बता दें कि लड़कियाँ इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ लड़के। बात करें हम अपने रजौरी की, तो रजौरी के जे गांव में हैं, तो रजौरी के भी जे मेल कैंडिडेट्स जा सकते हैं। इधर भी प्रोसेस जो है वो एकदम है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 22 विलेज जो है वो चूज़ किए गए हैं, सिर्फ 22 विलेज के बच्चे रजौरी वाले इस फॉर्म को लेकर, जो आपको फॉर्म मैंने बताया मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उस फॉर्म को लेकर आप लोगों ने कब जाना है, आपने 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में कभी भी DPL रजौरी में जाना है। और संडे को नहीं जाना, संडे को छोड़ के 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में जाना है, और वहां पे अपना फॉर्म सबमिट करके आना है। बाद में आपको दौड़ कब होगी वो आपको बाद में इनवाइट कर लिया जाएगा, आपका नंबर वगैरह या कॉल वगैरह या न्यूज़पेपर में वो छाप देंगे। पुंछ वालों की एकदम से रनिंग स्टार्ट हो गई है, बट डोडा की रनिंग और पुंछ की रजौरी की रनिंग, डोडा की और पुंछ की रजौरी की रनिंग अभी कोई आता पता नहीं है, बट पुंछ की रनिंग साथ में है। उधर बात करें रियासी में, तो रियासी में भी आपके 20-21 विलेज जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। 21 विलेज के जो भी बच्चे हैं जिनके 18 से उम्र है 28 साल तक, उन बच्चों को जाना है अपने रजौरी में, अपनी रियासी में जाना है। लड़के सिर्फ कब से लेकर कब तक, 4 जुलाई से लेकर, पहले नहीं भाग जाना, संडे को नहीं जाना, 4 जुलाई से 19 जुलाई तक रियासी वालों को खुला टाइम मिल गया है तैयारी करने का। स्प्लिंट मारे, पंजे के बल दौड़ना है। जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, 96-82-56-11 नंबर है, जिन बच्चों के गांव के विलेज के नाम आ रहे हैं, जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, बाकी भी ग्रुप ज्वाइन करें, बट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो जरूर ग्रुप में आए, ताकि उन्हें हम मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें और भर्ती के रिलेटेड टेक्निक्स दे सकें, ठीक है। जिस सभी स्टूडेंट आए रजौरी पुंछ डोडा के, ऑलरेडी हमारे ग्रुप में हैं बच्चे, हमारी IG JK Student1DesiBoy06 के नाम से फॉलो करें। रिक्रूटमेंट से जम्मू कश्मीर का एकमात्र यूट्यूब चैनल जो लगातार बच्चों को मोटिवेट गाइड करता है रिक्रूटमेंट्स के रिलेटेड। हमारे इंस्टा पे बात ही भर्तियों की होती है, चाहे वो JKP की भर्ती हो, चाहे आप लोगों की कोई भी रिक्रूटमेंट्स हो, तो कोई भी भर्ती हो, हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। प्राइवेट सेक्टर की तरफ जहाँ कोई ऐसे फालतू की बातें वो हमारे पेज पे नहीं रहती, बिल्कुल ऑफिशियल काम करते हैं। कल एकदम से नोटिफिकेशन आया, ग्रुप में बताया, बच्चों को हैंडल किया, तो आज बच्चों को प्रोवाइडिंग करवा रहे हैं। तो हमारे ग्रुप की एंट्री ज़्यादा नहीं, 1 टाइम एंट्री है 30 रुपीज़। अगर आपके ऊपर 18 साल है, अगर आप 1 टाइम 30 रुपीज़ करते हो, तो आप 8 साल के लिए या 5 साल के लिए हमारे ग्रुप में स्टे कर सकते हो। कभी आप लोगों को एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों के रिप्लाई, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे। नंबर हमारा टाइटल में लिखा है, बाकी भाई देखो गूगल पे, फोन पे, एमपे सब कुछ चलता है, कहीं से करवाओ, नेट वाले से करवाओ, फ्रेंड से करवाओ, या आप लोग दुकान से करवाओ, 1 टाइम एंट्री करना कंपलसरी है। बाकी हम थोड़ा बहुत हेल्प बच्चों की करते रहते हैं। बस यहीं 4 डिस्ट्रिक्ट की नोटिफिकेशन है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यार SPO लग जाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ बच्चे जो लगे हुए हैं SPO वो बड़े परेशान हैं कि सैलरी का बड़ा मसला है। तो सैलरी का बड़ा मसला है भैया, 24 घंटे आपको ड्यूटी करने पड़ सकती है, तो सैलरी वही 6,000 मिलेगा, ठीक है। पहले 3 साल तक आपको 6,000 सैलरी मिलेगा, अगर कोई पॉलिसी आ जाती है इन फ्यूचर, अगर कोई सैलरी को लेकर अपडेट आती है वो लग बात है, बट 3 साल आपको जहाँ पे जो है वो 6,000 मिलेगा, बट 3 साल के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती देखने की उम्र आपकी 40 साल हो जाएगी। ऐसे नॉर्मल बंदे की 28 साल होती है, अगर SPO लग गए होंगे तो फिर उम्र आपकी 28 साल हो जाएगी, ठीक है। 15% कोटे का भी बेनिफिट मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने ITI की हुई है, SPO लगे हो, तो आपको मौका लग सकता है कि आप लोग परमानेंट भी होने के चांस होते हैं। अगर स्पोर्ट्स में हो तब भी आपको चांस लगते हैं। अगर आप SOG बनना चाहते हैं, 6,000 सैलरी पर आप SOG बन सकते हैं। अगर आप SOG की ड्यूटी करोगे फिर भी आपकी सैलरी वही रहेगी, और SOG के दौरान अगर आप कहीं इनकाउंटर करते हैं, जिस तरह से कठुआ में 10 बंदे परमानेंट हुए, वही प्रोसेस है। तो पूरा हमने डाटा आपको बता दिया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स है इन भर्तियों को लेकर, कोई फॉर्म को लेकर,
अब हर बच्चा चाहता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट भी भर्ती आए, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो आपकी भर्ती ज़रूर देखने को मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो आपको बता दें, कुछ बच्चे बोलते हैं कि जेकेपी की रिक्रूटमेंट्स आने वाली है, आपको कांस्टेबल की भर्ती लग गया, कांस्टेबल की स्ट्रेंथ ऑलरेडी आप लोगों को पता है लोकसभा की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको नॉलेज है, तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई थी, तो काफ़ी कम से कम 10 से 12 हज़ार स्ट्रेंथ जो है वो जेकेपी की कम है, जिस तरह से मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है। डीजीपी ने भी आपको बताया बयान दिया था कि हम चेक पोस्टें बढ़ा रहे हैं, हमारे पास नफरी की कमी है, तो जरूर आपको बता दें कि नफरी एज पर SPOs या एज पर कांस्टेबल जो भरने वाले हैं, तो आने वाले समय में बड़ी से बड़ी रिक्रूटमेंट्स जहाँ पर होने वाली है, इसलिए आप लोग वन टाइम एंट्री 30 रुपीज़ पेमेंट करके हमारे ग्रुप में जरूर आएँ। हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है, जहां पे हम PDF न्यूज़पेपर और सिलेबस पैटर्न वगैरह डालते हैं, जिसकी वन टाइम एंट्री 50 रुपये है, और दूसरा ग्रुप हमारा है जिसमें हम कोई भी सरकारी नौकरी के फॉर्म लगते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी क्लस्टर आर कोई भी जॉब अपडेट, कोई स्कूल कॉलेज की छुट्टियां, जब प्राइवेट स्टूडेंट्स, वो नोटिफिकेशन हम उस ग्रुप में डालते हैं, और ग्रुप एक्टिव ग्रुप है, सोए हुए ग्रुप नहीं है कि एक नोटिस डाला और दूसरा 2 महीने के बाद, दिन रात काम करने वाले ग्रुप हैं, मैं खुद ग्रुप को ऑपरेट करता हूं, और आप लोगों को बता दें कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे ग्रुप में है, आप लोग कभी उनको मैसेज करके भी हमारे ग्रुप के बारे में, हमारी इक्वलिटी के बारे में, हमारी ह्यूमनिटी के बारे में, जहाँ हमारे वे ऑफ टॉकिंग के बारे में, जहाँ हमारे स्टैंडर्ड, जहाँ हमारी एक्टिविटी के बारे में आप लोग जान सकते हैं, और हमारी स्किल के बारे में भी जान सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट्स, मैंने खुद आपको बता दीजिए SPOs वगैरह की भर्तियाँ देख रहे हो आप लोग, मैं ऑलरेडी इन भर्तियों को देख चुका हूँ, मैंने भी SPO की 2016 में कठुआ में डिस्ट्रिक्ट भर्ती देखी है, मैंने भी JKP की दो रिक्रूटमेंट्स देखी है, अभी हम फिलहाल बेल्ट फोर्स में ही काम कर रहे हैं, बट अपने IDA के तहत काफ़ी रिक्रूटमेंट्स में हम फेल हुए हैं, रजौरी, पुंछ, डोडा, तमाम एरिया में रिक्रूटमेंट्स देखी है, TA की मैंने काफ़ी सारी भर्तियाँ देखी हैं, बट अपना एक्सपीरियंस कई बार हम बच्चों को शो करते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस के तहत बात करते हैं, जो मुझे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी किया हुआ है, नेशनल स्पोर्ट कबड्डी के साथ NCC के कैडेट भी रहे हैं, तो बाकी आपको बता दें कि अभी बेल्ट फोर्स के रूल एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमेशा बच्चे सपोर्ट करते हैं, रजौरी, डोडा, पुंछ और तमाम एरिया के बच्चे हमें जानते हैं और फॉलो भी करते हैं, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, तो इन डिसिप्लिन क्रिएट करोगे, एटीट्यूड क्रिएट करोगे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा अगर हमारे टच में आए हुए हो तो। बाकी भाई देखो, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, थोड़ी बहुत आप लोग सपोर्ट करते भी हैं, और हम बच्चों को हमेशा गाइड किया है, हम भी चाहते हैं कि दूरदराज के बच्चों की नौकरी लगे, चाहे SPO ही सही, कुछ ना कुछ लगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बड़ी है, ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा सिस्टम चल रहा है, कोई गेमिंग शेमिंग में दूसरा तीसरा बच्चे बड़े उधर उधर फंस रहे हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड में नहीं आप लोगों को पढ़ना है, डबल के चक्कर में या आप लोगों को एक्स्ट्रा गेनिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको पहले बता रहा हूँ, कोई भी ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन प्रमोशन के लिए कुछ आउटसाइडर आउट ऑफ स्टेट्स के बड़े लिंक शिंक मुझे देते हैं कि इंस्टा के हमारे स्टोरी 5,000 व्यू है, कई बार अभी मुझे 30,000 बंदा एक दे रहा था कहीं हरियाणा वाली साइड का था कि इस लिंक को शेयर करो अपने ग्रुपों में और बच्चों को बोलो इन गेमों को खेलो, इन फ्रॉड गेमों को खेलो और बच्चों को गाइड करो, तो आपको बता दें किस तरह की एक्टिविटी हम कभी भी क्रिएट नहीं करते, हमेशा बच्चों को गाइड किया है, तो अगर आप लोग भी इस लाइन में हो कहीं कोई गेम शेम या दूसरे तीसरे इधर उधर पैसे अड़ा रहे हो तो आपकी बर्बादी आज नहीं तो कल है, पहले बता रहा हूँ, कम ठीक है, 10 रुपये अपने बजाए हुए सेव है, बट इन चीज़ों में पढ़ोगे अपनी सेहत भी आप लोग ख़त्म करोगे, अपनी फैमिली को भी ख़त्म करोगे, या आप लोग अपने माइंड को भी, थोड़ा खाया ठीक है, तैयारी करो, थोड़ी बहुत नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ITI करके प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। बाकी भाई हमारा काम हमेशा बच्चों को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, इस वीडियो का मकसद था वो SPOs की रिक्रूटमेंट्स को आगे बढ़ाना था, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, कुछ बच्चे जो है वो मेरे सीनियर भी होंगे अभी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 26-27 के आसपास हमारी भी एज हो रखी है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट्स को हम डीपली कवर करने वाले हैं, JKP की भर्ती JKSSB के पास पहुंची हुई है, तो JKSSB किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, किस तरह से हम डीपली और हाई लेवल पर इस रिक्रूटमेंट्स को कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप की PDF सिलेबस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, तो हमारा जो एंट्री है हमारे टच में आप लोगों को जुड़ सकते हैं सिर्फ मात्र 80 रुपये खर्च के, वन टाइम एक ही बार, चाहे आप साल के लिए रुके, 2 साल के लिए रुके, तो डेली स्टूडेंट्स जो वो आते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, बाकी जो इंटरेस्ट नहीं रखता, जो सरकारी नौकरियों की तरफ ध्यान नहीं देता, जो ऐसे हवा में हैं, घर वालों के अर्निंग या इनकम पे होते हैं ना कुछ, जिनका अर्निंग इनकम अच्छा रहता है तो उनको कोई फिक्र नहीं होती, जब उनकी 20-25 साल उम्र होती है तो फिर देखते हो क्या हो गया, तो इसलिए जिनकी उम्र 18-19-20-21 के बाद है, ST कैटेगरी को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, रजौरी पुंछ को ST मिला, तो आप SSC GD की भर्ती की तैयारी करें आगे,
ऑलरेडी ये एसएससी जीडी में वैकेंसी इंक्रीज हुआ, इतना बड़ा भर्ती आ रहा है एसएससी जीडी का, दोबारा से 50-60 हज़ार वैकेंसी के फॉर्म अगस्त में लगने वाले, तो उसकी तैयारी करोगे तो एसटी ओबीसी को काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलता है। जनरल को मार है तो फिर भी आप लोगों को स्ट्रगल करना है, हमारा काम अपडेट करना, जानकारी देना। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सॉरी इसके लिए। ऑलरेडी हम बोलते नहीं, वीडियो नहीं क्रिएट करते, बट हमेशा बच्चों को गाइड किया है। जय हिंद।